वेलकम टू माय चैनल एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और मैं आज आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चंस लाया हूं। और ये 10 ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, इनमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे मैं सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब करें। और देखिए मेरा पहला क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया। तो इसका ऑप्शन है प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरेल। हेनरी बेकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इसका ऑप्शन देखें प्रिस्टले, प्रिस्टले जो इसका ऑप्शन है, प्रिस्टले जो ऑक्सीजन की खोज किया, आपको पता होना चाहिए प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज किए थे। ओके, और नेक्स्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट जो हमारे बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने शून्य का, जीरो का आविष्कार किया था। ओके, और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आपको ऑप्शन है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का आपको बारे में पता होना चाहिए कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। तो एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। ओके, तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया, यानी कि एंटीसेप्टिक सर्जरी बनाया किसने, आविष्कार किसने किया। ओके, तो इसका ऑप्शन है रॉन्जन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, प्रिस्टले। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। और मेरा ऑप्शन देखें रॉन्जन। रॉन्जन के बारे में पता होना चाहिए आपको कि एक्सरे जो किरण होता है, ओके, एक्सरे बोलते हैं इसको, तो एक्सरे किरण की खोज किसने किया, रॉन्जन ने किया था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेल, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए प्रिस्टले। आपको मैंने बताया पहले प्रिस्टले जो ऑक्सीजन की खोज किया था। आपका थर्ड क्वेश्चन देखें 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में जो ऊर्जा आयोग गठन किया गया था उसका अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपका है चंद्रशेखर, सीवी रमन, जहांगीर भाभा, हरगोविंद खुराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर भाभा, यानी इसका पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा। मैंने शॉर्टकट नेम लिख दिया है ऑप्शन में ताकि हमको ज्यादा फैल ना हो पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। इसका पहला ऑप्शन देखें चंद्रशेखर, ये जो है एक खगोलविद थे और अनुसंधान में इनका भी एक अहम रोल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सीबी रमन, इसको लिख सकते हैं रमन, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। ओके, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने रमन, यानी कि सीबी रमन प्रभाव, पढ़े होंगे फिजिक्स में, रमन इफेक्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ओके, वर्ण विक्षेपण को इन्होंने खोज किया था, इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो जिस दिन खोजा था वो डेट था 28 फरवरी। ओके, तो इसलिए हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आपको बन जाता है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना। ऑप्शन है आपका हरगोविंद खुराना के बारे में क्या जानते हैं आप कि इन्होंने अनुवांशिकी कोड का खोज किया था। तो एक क्वेश्चन इससे बन जाता है कि अनुवांशिकी कोड किसने खोज किया, तो हरगोविंद खुराना। ओके, नेक्स्ट हमारा है चौथा क्वेश्चन देखें कि E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका ऑप्शन है आइंस्टीन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो और चार्ल्स डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइंस्टीन। आइंस्टीन ने जो है E बराबर MC स्क्वायर, ओके, E बराबर MC स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गैलीलियो। आप जानते हैं दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था, और जो गति का जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो ने बताया था।
नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था, और इसका सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक बुक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखा, तो इसका अभी आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें पांचवा क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ आइंस्टीन, डार्विन, डाल्टन, कैवेंडिश। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने दिया था, सापेक्षता का भी सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, और ई बराबर एमसी स्क्वायर का भी वही दिया, तो इसका पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सेकंड ऑप्शन है डार्विन, डार्विन के बारे में मैंने पहले बताया। डाल्टन देखें, जॉन डाल्टन, इसका पूरा नाम है जॉन डाल्टन, तो जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया। ओके, नेक्स्ट है कैवेंडिश। कैवेंडिश के बारे में क्या बताना चाहिए कि आप कैवेंडिश जो है हाइड्रोजन की खोज किया था कैवेंडिश ने। नेक्स्ट देखें परमाणु के नाभिक की खोज ने किया, छठा क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, ऑप्शन देखिए रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, चैडविक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था, और उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगाते रहते हैं। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया जो ई बराबर एमसी स्क्वायर का खोज किया था। नेक्स्ट देखें डाल्टन, परमाणु सिद्धांत का खोज किया था। चैडविक, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज किया था चैडविक ने खोज किया था, और इसी के रिलेटेड मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन को खोज किया तो किसने किया था, तो ये तीन मौलिक कण मैंने आपको लिखा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इसको खोज किसने किया, इसको याद करने का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप सुन ले पहले, पगला नोचा ईटा, आपको अजीब तरह लग रहा हो, मैं इसे लिखता हूं पहले, पगला नोचा ईटा, देखिए इसको आराम इससे याद हो जाएगा, पास है प्रोटॉन, गैस हो गया गोल्डस्टीन, यानी कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, नोचा ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक याद करेंगे, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, ईटा ई से इलेक्ट्रॉन, अट्टा से यानी कि थॉमसन, जे जे थॉमसन ने, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे जे थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें चेचक के टीके की खोज किसने किया, तो चेचक के टीके की खोज किया, इसका ऑप्शन देखें लिस्टर यानी कि जोसेफ लिस्टर, हॉरवे यानी कि विलियम हॉरवे, जेनर और प्रिस्टले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, यानी कि इसका पूरा नाम है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन देखें लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बता चुके हैं, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी को खोज किया था। हॉरवे, हॉरवे के बारे में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रक्त परिवहन, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था, विलियम हॉर्वे ने किया था, और फिस्टिक वाले बारे में बताएं कि ऑक्सीजन की खोज फिस्टिक ने किया था। आठवां नंबर क्वेश्चन देखें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रमन प्रभाव इफेक्ट जब आया था, अंगीकृत हुआ, आविष्कृत हुआ, तो उसी दिन 28 फरवरी था, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कि आठवां का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखें पेनिसिलिन की खोज किसने किया, पेनिसिलिन के बारे में बता चुका हूँ कि पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो नाइन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइन का ऑप्शन हो जाएगा ए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ग्राहम बेल के बारे में देखें तो ग्राहम बेल टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था। जेनर देखिए एडवर्ड जेनर, मैंने पहले बताया था, एक आता है इसमें ऑप्शन पास्चर, लुई पास्चर को बुलाता है, लुई पास्चर, इसके बारे में दो क्वेश्चन आता है। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ किसी को जब कोई कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया नाम का एक बीमारी हो जाता है। ओके, तो हाइड्रोफोबिया के इलाज के लिए लुई पास्चर ने रेबीज नाम का टीके की खोज किया था, यानी कि इसका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि रेबीज का टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, और रेबीज के टीके किसके लिए है, हाइड्रोफोबिया के लिए, और हाइड्रोफोबिया कैसे होता है, कुत्ता के काटे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दसवां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखें, सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया, तो जीवाणु का पता किसने लगाया, ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, लुई पास्चर, लुवेनहॉक, जेनर और इवानोवस्की, तो जीवाणु की खोज जो किया था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुवेनहॉक। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा लुवेनहॉक। लुई पास्चर के बारे में मैंने पिछली बार बताया, अभी जेनर के बारे में बता चुका हूं, और लास्ट आपका ऑप्शन है इवानोवस्की, इवानोवस्की इससे भी क्वेश्चन एक आता है,
इवानोवस्की। ओके, तो इवानोवस्की किसकी खोज किया था? इवानोवस्की जो है वायरस की खोज किया था, वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। और तो आपको ये कैसा लगा सेशन, पढ़ने में मजा आया या नहीं आया? अगर मजा आया है तो दिल से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो बना पाऊं। और इस क्वेश्चन में आपने कितने खुद से आंसर दिए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको कुछ अलग सा सुझाव होता है किस तरह के वीडियो आप कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए रोज नए नए वीडियो इस तरह का लाऊं। ओके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।